हेलो दोस्तों, वेलकम टू साधना टेरेस गार्डन। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम पोटैटो की सब्जी बनाना सीखेंगे ऑनियन के साथ। इसमें देखिए चार चीज़ों की ज़रूरत है, करी पत्ता, हरी मिर्च, ऑनियन और पोटैटो। ऑयल डालकर हम रेडी करेंगे। एक चम्मच ऑयल डाल लें, बड़ा वाला। राई डालेंगे, राई भुनती जा रही है। इसमें करी पत्ता डालिए और करी पत्ता भुनते ही इसमें ऑनियन डाल, इसमें और भी ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बनने के बाद इसमें मिर्च और खटाई डालेंगे दोस्तों। ये कम मसाले की टेस्टी सब्जी है। इसमें आप खटाई यूज़ नहीं करना चाहें तो नींबू भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें मैंने एक प्याज ली है जो महीन काट ली है, एक ही हरी मिर्च ली है और 5-6 करी पत्ता लिया है। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, वेस्ट हो जाएगी सब्जी। क्योंकि सब्जी में से तो हम नमक नहीं भी निकाल सकते। अगर हमारी गीली सब्जी है तभी आपका सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए। तो एक टिप दे रहे हैं दोस्तों, आटे की छोटी सी लोई बनाकर गीली सब्जी में डाल दें और थोड़ी देर बाद निकाल दें। आलू को हमने छील के काट के फोड़ के रेडी करके रखा है। हरी मिर्च काट ली है, इसमें लाल मिर्च और खटाई का यूज होगा, अमचूर का पाउडर भी इसको कहते हैं। हमारी ऑनियन बन चुकी है दोस्तों, और इसमें आलू डाल देंगे। आधा चम्मच अमचूर, और आधा चम्मच या छोटी सबसे छोटी स्पून ये डाल के हम अच्छा चला रहे हैं और टेस्ट करके देखेंगे कैसी बनी है सब्जी। अगर आपको कुछ कमी फील हो रही हो तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए दोस्तों। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये, सांभर दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। काली मसूर की दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी सब्जी है ये, मेरी फेवरेट सब्जी है दोस्तों। आप भी इसको बनाइए और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी सब्जी दोस्तों। कमेंट कीजिए, आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का बटन रहता है वो ज़रूर दबाइए, जिससे कि आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग में ही नई डालते ही देख सकें। देखिए हमारी टेस्टी टेस्टी सब्जी तैयार है दोस्तों।